New to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello, dear students, welcome to the third part of water. सो बच्चों पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उसको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को एग्ज़ाम पास आ रहा है बच्चों तो जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट करो बहुत ईजी चैप्टर है ठीक है बहुत जो अलग अलग मैं पार्ट्स बना रही हूँ मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊँ चीज़ों को ठीक है सिमिलरली बच्चों मैथ्स में भी अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स का कोई चैप्टर में तो रिसेंटली अभी हम लोग मैथ्स मास्टरी कोर्स लॉन्च करे हैं बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल कर चुके हैं ये कोर्स आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोग अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सको और मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सको अगर आप लोगों को एनरोल करना है सो यू कैन चेक द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैथ्स मास्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है तो सब वहाँ पर आपको सब चीज़ें मतलब क्या है, क्या है क्या नहीं है मैथ मास्ट्री आपको वो लिंक से ही सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लस गेट स्टार्टेड विथ द वीडियो ओके सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर अभी हम लोग देखो वाटर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग वाटर का रिएक्शन भी तो देख लेना कि वाटर मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है या फिर किसी और के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है तो बच्चों हम लोग ना यहाँ पर अभी जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या आप लोग को याद है हम लोग पढ़े थे कोल्ड वाटर रिएक्ट करता है मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस मिलता है हॉट वाटर स्टीम सेम सेम डिट्टो कॉपी डिट्टो डिट्टो वही चीज़ यहाँ पर है हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ सपोज वी विल टेक कोल्ड वाटर ठंडा पानी लेंगे ठंडा पानी को हम लोग कौन कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं करवा सकते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम ये तीन मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्ट करवा सकते हैं किसको कोल्ड वाटर को कोल्ड वाटर को हम लोग आराम से इन तीनों के साथ ट्रीट करवा सकते हैं एक्चुअली ना ये जो तीन मेटल का आपका नाम दिख रहा है ना पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम ये जो मेटल होते हैं बच्चों ये लोग ना बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव मेटल्स है बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और ठंडा सोचो इतने एक्टिव होते हैं इतने रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ फट से ये लोग रिएक्ट कर लेते हैं ठीक है ओके सो व्हेन दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ठीक है जब हम लोग ये तीन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ तो बच्चों हम लोगों को आप लोग ये देखना जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सो वी विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जैसे कि यहाँ पर मैं मेटल रखी हूँ पोटेशियम so, तो यहाँ पर मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब वही मेटल पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो अगर आप लोग ये याद रख लोगे ना तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा हाँ बट बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है ठीक है अब मैं सेकेंड वाला बैलेंस नहीं क्यों आपके सामने कर लेंगे अब जैसे कि बच्चों पहला रिएक्शन जो है पोटेशियम को ना हम लोग पानी में डालेंगे ठंडा पानी में भट्ट से बच्चों पता है क्या होता है ही पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन बहुत वॉयेंट एंड एग्जोथर्मिक होता है आप लोग पढ़ चुके ये सब चीज़ें क्या हाइड्रोजन चैप्टर में ठीक है अगर आप लोग हाइड्रोजन चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो उसको भी चेक कर लो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितने भी चैप्टर्स आप क्लास एट में पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री में सब नाइन्थ में है इसलिए अभी से फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है वी विल गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस सिमिलरली उसी तरह से बच्चों सोडियम भी रिएक्ट करता है ठीक है पानी के साथ बट ज़्यादा जोर से रिएक्शन इस केस में होता है हाँ इसमें भी आग पकड़ लेता है लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा जोर से रिएक्शन होता है जोर इन द सेंस वॉयलेंट एंड एक्जोथर्मिक ठीक है सोडियम को जब हम ठंडा पानी में डालते हैं तो फट से वो आगे पकड़ लेगा भुड़ूम भड़ाम करके उस टाइप से ब्लास्ट ब्लास्ट टाइप होता है ठीक है एंड वी विल गेट टू थिंग्स पहला है मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन गैस अभी बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम दो है यहाँ पर सोडियम के सामने एक है तो यहाँ पर दो लगा लो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों फोर यहाँ पर हाइड्रोजन टू एंड टू फोर बैलेंसिंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो बच्चों आप लोग बैलेंसिंग मुझे लगता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कोई कोई स्टूडेंट्स लोगों को समझ में नहीं आया है तो बच्चों मैं बैलेंसिंग ना बहुत दो वीडियो में बना चुकी हूँ बैलेंसिंग के ऊपर अभी क्लास एट में भी बनाई हूँ एंड शायद मैं हाँ क्लास नाइन्थ के लिए भी मैं बनाई थी बीच में समझ में आया ना तो बैलेंसिंग का मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को आप लोग देख लेना बच्चों बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर सिमिलरली अभी हम लोग कैल्शियम का बात करेंगे सो कैल्शियम इट रिएक्ट्स विथ वाटर कैल्शियम को भी जब हम लोग पानी में डाल देंगे सो वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज़ हाइड्रोजन गैस हम लोग को यहाँ पर भाई मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा साथ में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम वो फायर हो जाएगा लाइक फायर कैच हो जाएगा नो no, वैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर यहाँ पर वो अपैरेटस एकदम गर्म हो जाएगा बट ये दोनों केस में वो आग पकड़ लेता है क्लियर सो मेटल्स रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ एंड वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के पास में एक एरो बना हुआ है विच इज पॉइंटेड अपवर्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन में एरो बना हुआ है सो so, ये एरो शो करता है कि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का है एंड वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा ठीक है और ये तीन जो हम लोग रिएक्शन देखे वो वॉयेंट एंड एक्सोथर्मिक नेचर का होता है मतलब बहुत हीट निकलेगा ठीक है सिमिलरली मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर जैसे कि कोल्ड वाटर का रिएक्शन देखिए सेम बच्चों मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हम लोगों को मिलेगा दो चीज़ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है जैसे कि ये मैग्नीशियम है मैग्नीशियम और ये हो गया अपना वाटर सो मैग्नीशियम प्लस वाटर यहाँ पर हम लोग बेसिकली बॉइलिंग वाटर एकदम हॉट वाटर ले रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एक चीज़ हम लोग बॉइल्ड वाटर या फिर गर्म पानी के साथ सिर्फ मैग्नीशियम को ही रिएक्ट करवा रहे हैं एक्चुअली क्या है ना बाकी जो दूसरे मेटल्स बचे जैसे कि जिंक ले लो एलुमिनियम ले लो लेड ले लो वो सब ना थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं तो गर्म पानी के साथ वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे मतलब बहुत बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा हम लोग ये सब को हम लोग इसलिए गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये तो ठंडा पानी में ऐसा कर रहा है तो गर्म पानी में सोच लो क्या होगा है ना सो मैग्नीशियम को ही हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किससे हॉट वाटर से जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है यहाँ भी देखो बैलेंस है मैग्नीशियम एक है यहाँ एक है हाइड्रोजन फोर है ऑक्सीजन टू है क्लियर और ये रिएक्शन देखो यहाँ भी स्लो होता है सपोज़ मैग्नीशियम चलो रिएक्ट तो कर रहा है हॉट वाटर के साथ बट स्टिल रिएक्शन यहाँ का स्लो है रिएक्शन इज़ अगेन बहुत स्लो है तो हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग सोचेंगे मैग्नीशियम को ना स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टीम आपको पता है वेपर ठीक है वेपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों वेपर में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट होता है हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है स्टीम में याद रखना ठीक है सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पानी को ही यूज़ कर रहे हैं बट यहाँ पर वाटर को हम लोग स्टीम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो जब मेटल रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो यहाँ पर ये ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मिलेगा मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड अभी जब कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर यूज़ किए थे तो हम लोग को मिल रहा था हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल लेकिन जब हम लोग स्टीम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मेटल ऑक्साइड क्या मिलेगा मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा ही मिलेगा सो मैग्नीशियम आराम से रिएक्ट करता है क्योंकि उस समय रिएक्शन स्लो था सो so, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ तो जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है यहाँ पर सब मेटल का ऑक्साइड मिलेगा सिमिलरली एल्यूमिनियम एल्युमिनियम को भी जब हम स्टीम के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके हम लोग को वहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जिंक जिंक भी सेम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आयरन के केस में देखो बच्चों आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ आयरन तो ऐसे ही बहुत लेस रिएक्टिव होता है तो जब हम लोग आयरन को यूज करेंगे ना तो ये आयरन को तो पूरा रेड हॉट आयरन करना पड़ेगा मतलब तपता हुआ लाल लाल आयरन उसको ट्रीट करवाएंगे हम स्टीम के साथ तो हम लोगों को वहाँ पर आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा लेकिन ये जो लास्ट रिएक्शन आप देख रहे हो ना ये रिवर्सिबल नेचर का होता है और कोई भी रिवर्सिबल नहीं है यही रिवर्सिबल है ठीक है सो यहाँ पर क्या होगा ना ये दोनों भी रिएक्ट करके वापस से आयरन एंड एस एं टू दे सकते हैं समझ में आया तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और बैकवर्ड में भी होता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम आ मेटल दैट रिएक्ट्स रिवर्सिबली विथ स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस तो आप लोगों को वहाँ पर लिखना है आयरन यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड का नाम है ट्राइफेरिक टेट्रो ये भी आप लोग ऑलरेडी हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हो क्लियर नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड एंड वाटर अभी हम लोग देखते हैं हम लोग अभी तो हम लोग तो 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 कितना सारा रिएक्शन देख लिए कि वाटर अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करके क्या क्या दे रहा है ठीक है तो बच्चों वाटर मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है जो वाटर है वो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है ठीक है तो जब हम मेटल ऑक्साइड लेंगे और वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो ये ये ऊपर वाला याद रखोगे ना तो सब हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाओगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाओगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ये सब एकदम सिंपल सिंपल चीजें थे बच्चों तो वो आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा ठीक है नाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बच्चों हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ये चीज़ तो आप लोग बहुत सुने होंगे ठीक है देखो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर जैसे कि अगर मैं बात करूँगी सॉफ्ट वाटर का तो देखना बच्चों सम टाइम सम टाइम्स क्या अब जैसे कि अगर मैं बात करूं जहां पर मैं पहले रहती थी वहां पर ना वाटर ठीक था मतलब सॉफ्ट वाटर था देट मीन्स डैट वाज फॉर्मिंग फोम और लैथर विथ सोप वेरी इजीली मतलब अगर आपका पानी के साथ अगर आप साबुन मिला रहे हो अच्छे से अगर झाक बहुत आराम से बन जा रहा है देट मीन्स वो पानी सॉफ्ट वाटर है तो so, बच्चों अगर पानी के साथ आप साबुन लगा रहे हो मिक्स कर रहे हो लगा क्या रहे हो मिक्स कर रहे हो और आपका वहाँ पर झाग बहुत इजीली बन जा रहा है आप कपड़े धो रहे हो मस्त आपका साबुन से आराम से झाग वाग बन जा रहा है ये जो लेथर में लिखी हूँ ना फोम ये झाग को हम लोग बोलते हैं दैट मीन्स वो वाटर सॉफ्ट वाटर है ठीक है वो वाटर कौन सा वाटर है सॉफ्ट वाटर याद रखना सो वाटर इज सेट टू बी सॉफ्ट इफ़ इट रेडली फॉर्म्स लेथर और सोप और फोम विथ सोप सो बच्चों ये जो सॉफ्ट वाटर होते हैं ना आप जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पानी में वाटर में जैसे कि जो नेचुरल वाटर होता है उसमें बेसिकली डिज़ोल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं ठीक है डिज़ोल्ड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं पढ़े हैं हम लोग तो बेसिकली बच्चों जो सॉफ्ट वाटर होता है ना उसमें कौन से सॉल्ट होते हैं सोडियम सॉल्ट क्लियर तो जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सोडियम सॉल्ट होता है तो क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप के सॉल्ट सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो सोडियम सॉल्ट ठीक है प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर रेन वाटर ये सब सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल है इनको जब आप लोग इनको यूज़ करोगे ना साबुन वाबुन आप लोग मिक्स करोगे मतलब साबुन से आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हो पानी के साथ मिक्स करोगे तो आप लोग देखोगे कि बहुत ईजिली वहाँ पर लेथर बनेगा झाग बनेगा सो डिस्टिल्ड वाटर रेन वाटर प्योर वाटर ये सब चीज़ें जो हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्ट वाटर के आप लोग भी पूरा अपने अंदर इसको बैठा लो दिमाग में छपा लो सॉफ़्ट वाटर के एग्जाम्पल्स में प्योर वाटर रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर ठीक है अब जब कभी बारिश होगा तो पानी कलेक्ट करना आप, आप लोग तो करते हो गए मुझे पता है भाई नॉर्मली क्या होता है ना बारिश वारिश होता है तो घर में ट्राई करते हैं सब कहीं पर कुछ ड्राउंड रख देते हैं कहीं बाल्टी रख देते हैं ताकि पानी कलेक्ट हो जाए रेन वाटर फिर बच्चों उससे कपड़ा धोना देखना आप लोग कितना अच्छे से झाग बनता है बनता है बच्चों ठीक है तो वो सब सॉफ्ट वाटर होते हैं और अगर मैं बात करूँ हार्ड वाटर का तो हार्ड वाटर वो पानी होंगे जो कि बहुत इजीली वो झाग वाग नहीं बनाएगा बहुत इजीली क्या बहुत ही कम झाग बनेगा जब आप लोग साबुन लगाओगे और हार्ड वाटर से नहाओगे तो आप लोग देखोगे यार साबुन तो लगते ही जा रहा है पर ढंग से झाग नहीं बन रहा है कपड़ा धो रहे हो यार कपड़ा धो रहे हैं तो साबुन लगता जा रहा है वेस्ट हो रहा है पर झाग क्यों नहीं बन रहा है सो so वो होता है बच्चों हार्ड वाटर वाटर इज सेट टू बी हार्ड वैन इट डज़ नॉट रेडली फॉर्म लेथर या फॉर्म विथ सोप क्लियर एकदम क्लियर ओके तो ये जो हार्ड वाटर होते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ तो बता दी सॉफ्ट वाटर के अंदर में कौन सा सॉल्ट होता है सोडियम का सॉल्ट होता है लेकिन हार्ड वाटर के अंदर में कौन सा सॉल्ट होता है हार्ड वाटर के अंदर में होता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका मतलब है तो मेरे को पता है नहीं समझ में हो गया आप लोग सॉरी इसका मतलब है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट मतलब ये फॉर्मूला वैसे ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ये कैल्शियम का क्लोराइड सी ए सी एल टू तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मतलब ये सब सॉल्ट है ये जो आपको दिखे ना ये सब सॉल्ट है ये सब की वजह से पानी हार्ड होता है क्लियर तो जो हार्ड वाटर होता है पानी जो हार्ड होता है ना जो वो झाग नहीं बना पाता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस सॉल्ट ये सब ये सब ना पानी में घुले हुए होते हैं ठीक है ऑल दिस सॉल्ट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे होंगे या तो ये लोग हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या तो दो हो सकते हैं समझ में आया ना सो so बच जो बच्चों बेसिकली वापस से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ या तो इन दोनों हो सकते हैं पानी में ठीक है या फिर ये लोग हो सकते हैं पानी में घुले हुए तो ये सारे जो सॉल्ट है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हार्डनेस टू वाटर तभी झाग नहीं बन पाता साबुन के साथ क्लियर आप समझे तो मैं यहाँ पर जो लिखी थी मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना के बता दी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट्स क्लोराइड्स और सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम ठीक है अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखो बच्चों जो हार्डनेस होता है वाटर का दैट इज ऑफ टू टाइप्स टेम्प्ररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस टेम्प्ररी हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हार्डनेस होता है वो टू टाइप के होते हैं टेम्प्रेरी एंड परमानेंट सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में तो टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर अगर पानी में ये सॉल्ट प्रेजेंट है ये वाले कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर पानी में ये लोग डिजोल्व होके हैं दैट मीन्स वो जो वो जो हार्डनेस है ना उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस मतलब वाटर को हम टेम्प्ररी हार्ड बोलेंगे कब इफ इट कंटेन्स डिज़ोल्व कैल्शियम बाइकार्बोनेट बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट इन इट ठीक है क्लियर अगर पानी में कौन डिज़ोल्वड है बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर ये लोग डिज़ोल्व है पानी में तो हम लोग बोलेंगे कि वो टेम्प्रेरी हार्डनेस है वाटर का ठीक है दैट वाटर इज़ टेम्प्रेरी हार्ड और उसको आप आराम से हटा भी सकते हो बिकॉज नाम ही बता रहा है टेम्पररी टेम्प्ररी मतलब थोड़ा टाइम के लिए तो ये जो पानी में जो हार्डनेस होता है ना जैसे ये हार्ड वाटर है आपको पता है यार हार्ड वाटर है और इसमें ये वाले सॉल्ट है तो आप लोग बोलोगे अरे ये सॉल्ट है बाई कार्बोनेट है कैल्शियम मैग्नीशियम के इसको हम आराम से हटा सकते हैं कैसे बाय बॉयलिंग बस पानी को आप उबाल दो जब आप पानी को उबालोगे तो देखोगे पानी के नीचे नीचे में ना कुछ कुछ जम जाता है फिर पानी को छान लो हो गया हट जाएगा वो हार्डनेस समझ में आया इसको हम लोग टेम्प्रेरी हार्ड वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हार्डनेस को हम लोग बहुत इजीली हटा सकते हैं कैसे बाय बॉयलिंग क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू रिमूव टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर तो वी कैन रिमूव टेम्प्ररी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉयलिंग बाय बॉयलिंग अब कैसे देखो जैसे कि हमारे पास पानी है पानी में कौन सा सॉल्ट है जो टेम्प्रेरी हार्डनेस दे रहा है पानी को कैल्शियम बाई कार्बोनेट तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट था आप लोग पानी उबाल रहे हो तो पानी उबालते हो तो वहाँ पर ना रिएक्शन होता है क्या होता है ये जो बाई कार्बोनेट है ये टूट के बच्चों बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है चलो वाटर तो रिलीज़ करेगा जो भी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालेगा मतलब यहाँ पर बेसिकली बोलोगे तो आप लोग जब हार्ड वाटर को टेम्प्रेरी हार्ड वाटर को बॉयल करते हो तो आप लोग देखोगे कि पानी अच्छे से उबल रहा है और पानी के नीचे में ना कुछ जाके जम जा रहा है तो वो जो जमता है वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट है ठीक है तभी तो मैं यहाँ पर इसको डाउन करके ऐसे एरो दे दूँ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा वो जाके नीचे में बैठ जाएगा साथ में और क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वाटर एज वेल एज सी ओ टू गैस बिकॉज बाई कार्बोनेट है तो सी ओ टू गैस तो निकलना ही है तो ये उड़ जाएगा क्लियर अगर बाई चांस मैग्नेशियम बाई कार्बोनेट है या फिर दोनों ही हैं तो आप लोग उबालोगे तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट से मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी और यहाँ पर सी ओ टू गैस निकल जाएगा ठीक है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट है फिर इसके बाद आप लोग देखोगे आप लोग पानी उबाले थे तो आप लोग देखोगे अरे नीचे में ना कुछ जम गया है वो जो जमा है वो क्या है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट तो आप लोग पानी को जब छान लोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा ठीक है सो दिस प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एंड हम लोगों को कौन सा वाटर मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर तो उबाल दोगे और छान लोगे तो उसके बाद जो आपको पानी मिलेगा वो हो जाएगा सॉफ्ट वाटर फिर अच्छे से झाग एकदम बनेगा पहले झाग नहीं बन रहा था क्यों क्योंकि पहले उसमें डिजोल्व बाई कार्बोनेट थे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के तो वो टेम्प्रेरी हार्डनेस था वाटर का जिसको हम लोग बहुत ईजिली निकाल लिए कैसे बॉइल करके जब हम उसको बॉइल करें तो बाई कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में है ना जो कि एक प्रेसिपिटेट है फिर हम लोग उसको कैसे हटा देंगे बाय फिल्ट्रेशन क्लियर अब देखो बच्चों परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है और उसको हम लोग कैसे हटाएंगे ठीक है चैप्टर खत्म होने वाला है ठीक है देख लो सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब अगर पानी में डिजॉल्व क्लोराइड्स एंड सल्फेट होंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के मतलब अगर पानी के अंदर में कहाँ गया कहाँ गया रुको मैं बताती हूँ ये मैथ्स मास्ट्री में बताई थी मैं बच्चों को पढ़ा देती आइडेंटिटीज उसका है ये वाला यहीं पर बता देते हैं देखो बच्चों अगर पानी के अंदर में डिजॉल्व कैल्शियम के क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड है ठीक है मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं या फिर कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट अगर ये सब सॉल्ट पानी के अंदर घुले हुए हैं ये सब सॉल्ट क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तब पानी तो भयंकर वाला हार्ड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसा हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस और ये परमानेंट हार्डनेस जो है आप लोग सोचोगे कि टेम्प्रेरी हार्डनेस जैसा आप पानी को उबाल दो और ये चल जाएगा बिल्कुल भी नहीं क्यों पता है क्योंकि ये सब जो सॉल्ट है ना ये दे आर स्टेबल टू हीट हीट से इनका कुछ नहीं होने वाला आप लोग कि गर्म कर देंगे और ये लोग टूट टाट के फिजिकली लाइक रिएक्शन आगे हो जाएगा ये लोग हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज दे आर स्टेबल टू हीट क्वेश्चन आएगा टीचर पूछेंगे आप लोगों को क्लास में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन देंगे कि वाई कांट वी रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉयलिंग तो हम लोगों को लिखना है बिकॉज द डिजोल्व क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर स्टेबल टू हीट इसीलिए क्या होता है यहाँ पर ये लोगों को हीट करने से ये लोगों का पर्मानेंट हार्डनेस नहीं निकलता है पर कि निकल सकता है कैसे पता है यू कैन रिमूव पर्मानेंट हार्डनेस कैसे बाय ट्रीटिंग दैम विथ वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा से आप लोग ट्रीट करवाओ ना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एस टू ओम ठीक है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है बट जब आप रिएक्शन देखोगे ना तो सिर्फ ये सोडियम कार्बोनेट ये इसी का देखते हो ठीक है सो बच्चों ये हार्डनेस को आप बॉइलिंग करके नहीं निकाल सकते हो पर कैसे निकाल सकते हो ये हार्ड वाटर को ना वॉशिंग सोडा के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कैसे ऐसे देखो ये रिएक्शन देखो फिर मैं ये बताऊंगी तो क्या होता है ना आप लोग पानी में क्या किए पानी में आप लोग बेसिकली वॉशिंग सोडा डाल दिए तो यहाँ पर देखो अब पानी में आप लोगों को पता है कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट ये सब घुले हुए हैं सपोज कैल्शियम क्लोराइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पानी के अंदर में कैल्शियम क्लोराइड है तो मैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिख दूँ ये डिजोल्व सॉल्ट है इसकी वजह से पानी हार्ड है ठीक है प्लस आप लोग क्या डाले ऊपर से पानी में वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये हो गया तो जब ये दोनों को हम मिक्स करते हैं तो बच्चों यहाँ पर रिएक्शन होगा क्या रिएक्शन होगा देखो क्या है? यहाँ पर रिएक्शन होगा यहाँ पर दोनों रिएक्ट करेंगे एक तो हम लोग को चलो ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा एक सोडियम क्लोराइड मिलेगा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है ये एक प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट है जो नीचे जाके जम जाएगा और एनए नमक तो आपको पता है घुल जाता है पानी में तो एनए तो चलो जो भी है घुल जाएगा लेकिन यहाँ पर ये मेन है तो जब हम वॉशिंग सोडा को पानी से हार्ड वाटर परमानेंट हार्ड वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें जो डिज़ोल्ड सॉल्ट होता है ना जैसे कैल्शियम क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा उस वॉशिंग सोडा के साथ हम लोगों को मिलेगा एक प्रेसिपिटेट ठीक है सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट है उसको भी रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा और सोडियम सल्फेट ये भी सोलूबल होता है घुल जाएगा पानी में पर ये आप लोग देखोगे अरे ये तो कहीं पर नीचे में वो स्कम जैसा प्रेसिपिटेट जैसा कहीं पर बन जा रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग पहले रिएक्ट करवाए आप लोग देखिए अरे पानी में ऐसा बन गया मतलब हमारा काम हो गया तो आप लोग क्या करोगे पानी को छान देना पानी को छान दोगे तो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हूँ कि जब हम वॉसिंग सोडा को हार्ड वाटर में डालते हैं तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग इंसॉल्यूबल कार्बोनेट मिलता है मतलब कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि Insoluble होता है और उसको आप लोग फिल्ट्रेशन से हटा सकते हो क्लियर ठीक है तो बच्चों बहुत इजी है अब मैं आपको बता दू एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आता है व्हाट इज हार्ड वाटर व्हाट इज सॉफ्ट वाटर ये पूछ देगा फिर पूछेगा व्हाट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर देखो मैं तो ऐसे देती थी मैं इसलिए बता रही हूँ ठीक है फिर पूछ देगा हाउ कैन यू रिमूव टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर और हाउ कैन यू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्लेन विथ इक्वेशंस देखो तीन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन विथ इक्वेशन करके तो बच्चों मैं आप लोगों को ये हार्डनेस के बारे में जितना भी बताई हूँ टेम्प्ररी हार्डनेस ये जितना भी फलाना फलाना जो भी है ये पूरा इम्पॉर्टेंट है इसको ना घोल के पी जाओ ठीक है पीज्जा इन द सेंस रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ समझ के इसको पूरा दिमाग में बैठा लो ठीक है अब आपके कोर्स में है हार्ड वाटर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो बच्चों देर आर सो मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर देखो हार्ड वाटर जो होता है ना मैं आप लोगों को बता दू इस ये ना एक पानी को एक टेस्ट प्रोवाइड करता है अगर आप लोग सॉफ्ट वाटर को देखोगे तो सॉफ्ट वाटर का टेस्ट थोड़ा फ्लैट होता है मतलब उतना मतलब सादा सादा लगता है अब ठीक है पानी का कोई टेस्ट नहीं होता समझती हूँ मैं लेकिन एक फिर भी लगता है ना एक अलग सा टेस्ट पानी का एक, एक अच्छा लगता है ना सॉफ्ट वाटर आपको अच्छा नहीं लगेगा समझ में आया हार्ड वाटर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्यों लगता है पता है क्योंकि उसमें जो कैल्शियम कंपाउंड है ये कैल्शियम का शॉर्ट लिख दिया मैं ठीक है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम की जो सॉल्ट होते हैं ना घुले हुए हार्ड वाटर में वो लोग ना थोड़ा सा टेस्ट देते हैं किसको पानी को वो उसी की वजह से पता है ये पानी को हम लोग यूज करते हैं टू मेक बेवरेज एंड वाइन मतलब वाइन वाइन बनाने के लिए हम लोग ये पानी को यूज करते हैं सो हार्ड वाटर सिर्फ स्वाद बनेगा क्लियर then जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में होते हैं ना थोड़े थोड़े अगर मैं देखूंगी जो थोड़ा अमाउंट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कैल्शियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया तो बच्चों ये लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बोन्स एंड थी तो सोचो हम जो हार्ड वाटर लेते हैं ना पीते हैं बच्चों वो उसका जो सॉल्ट होता है ना वो हमारे दांत एंड वॉट बोन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत काम आता है ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अमाउंट उसका सही रहता है ठीक है तो ये तो बच्चों एडवांटेज हो गया एडवांटेज में तीन पॉइंट यहाँ पर आपका लिखी हूँ लेकिन डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज क्या है भाई वॉशिंग के लिए तो ये बिल्कुल सही नहीं है लॉन्ड्री के लिए क्या सही है नहीं क्यों खाली घिसते रहो साबुन घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो झाग बनेगा या नहीं ठीक है आप लोग देखोग झाग की जगह में झाग नहीं बन के एक मतलब वो स्टिकी सब चिपचिपा सब कुछ प्रेसिपिटेट आपके कपड़े फपड़े में पूरा जम जाएगा लग जाएगा झाग नहीं बनेगा तो भाई वेस्टेज ऑफ पानी वेस्टेज ऑफ साबुन हर चीज़ वेस्ट ही हो रहा है वहाँ पर क्लियर सो इट इज़ अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री ठीक है इट कॉजेस वेस्टेज ऑफ सोप एज मोर सोप इज यूज टू मेक लेथर मतलब चलो लेथर तो बहुत मुश्किल से बनता है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साबुन घिसते रहो घिसते रहो खर्चा आप लोगों का हो जाएगा इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल ठीक है देन इन प्लेस ऑफ मेकिंग फोम इट फॉर्म स्कम ऐसे लिखना आप लोग इन प्लेस ऑफ मेकिंग फोम या लेथर बनाने की जगह क्या बनाता है ये स्कम बनाता है स्कम क्या एक स्टीकी प्रेसिपिटेट है जो कि ना कपड़ा में चिपक जाता है कपड़ा का क्वालिटी को खराब करता है ठीक है इट डिक्रीज दफिशियंसी ऑफ बॉयलर्स लास्ट चीज का वो है क्या बोलते हैं उसको डिसएडवाटेज है वो ये है कि ये ब्रॉयर्स का एफिशियंसी को ना डिक्रीज कर देता है क्या करता है ये बच्चों डिक्रीज कर देता है ठीक है अब मैं बताती हूँ ये कैसे करता है एक मिनट तो बच्चों ये ना बॉयलर का एफिशिएंसी को एकदम कम कर देता है मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझा रही हूँ बेसिकली इसका अच्छा सा जो है ना मतलब ज़्यादा डिटेल में उतना ज़्यादा भी नहीं होगा रिटेल में मेरे हिसाब से क्लास नाइन में नहीं है ठीक है बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ बॉयलर जो होता है बच्चों बेसिकली उससे ना स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं बॉयलर इज बेसिकली यूज टू तो प्रोड्यूस वॉट टू तो प्रोड्यूस स्टीम ठीक है मतलब स्टीम को बनाया जाता है बॉयलर में और बॉयलर के अंदर में ना मतलब इस टाइप से वो वाइड रहता है मतलब ऐसे चौड़ा सा रहता है यहीं पर बता दूँ ना ऐसे चौड़ा सा रहता है ठीक है ऐसे चौड़ा सा रहता है और यहीं से ऐसे भाप निकलता रहता है अभी हम लोग यहाँ पर अगर हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो बच्चों हार्ड वाटर को अगर मैं आ... यूज़ कर रही हूँ उसको मैं गर्म कर रही हूँ ठीक है तो जैसे कि आप लोग अगर परमानेंट सॉरी टेम्प्रेरी हार्ड वाटर भी लोगे तो उसको हीट करने से क्या होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और वो मतलब वही कार्बोनेट्स फॉर्म होता है तो वो कार्बोनेट्स ना बच्चों अंदर अंदर जम जाता है बेसिकली ना इसमें कॉपर के तार होते हैं ठीक है थीके? तो वो कॉपर के तार में भी जम जाता है देखो अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है अब मैं जो लिविंग साइंस बुक यूज़ कर रही हूँ ना अभी आप क्लास एट में हो तो उसमें एकदम सिंपल तरीके से दिया है उसमें यही दिया है कि जो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये सब जो बनता है ना ये ना यहाँ पर पक जाता है ये ना इस टाइप से इस जगह में चिपक जाता है ठीक है अब देखना जैसे कि अब मैं अपने स्कूल का बताऊँ तो हमारे स्कूल में ना केटली में ना जैसे क्या है ना चाय बनता था ठीक है वो केटली में चाय लेके आती थी आंटी वाह तो बच्चों वो केटली का अंदर का अगर कोई देख लेगा तो चाय नहीं पिएगा क्यों क्योंकि वो अंदर में ना पूरा वाइट वाइट पता नहीं वो किस टाइप से ना वो एक्चुअली जमा हुआ, हुआ है वाइट 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 करके ठीक है अभी ये एक्चुअल में था कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब हम लोग हार्ड वाटर को जब गर्म करते हैं ना तो नॉर्मली क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेट ना यहाँ पर जम गया है यहाँ पर मतलब प्रेसिपिटेट जम जाता है वो जम जाता है बोल के वो केटली का भी डैमेज करता है केटली को भी ख़राब करता है ठीक है और मतलब वही चीज़ें हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जम जाता है अब देखना जैसे तो कि ठंड में चलो बहुत जन तो गीज़र यूज़ करते हैं लेकिन देखना बहुत जन क्या करते हैं ना बड़े बड़े यूटेंसिल में ठंड में ना पानी गर्म करते हैं तो एक तो पर्टिकुलर वो लोग एक तो ना यूटेंसिल रख लेते हैं कि हाँ इसमें हमको पानी गर्म करना है तो वो वो बर्तन भी देखना बच्चों वो अलग टाइप से एक वाइट 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 व्हाइट उसमें जम जाता है वो बर्तन में आप लोग माइंड करना देखो अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे ना ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी से ना हम लोग सीखते हैं ठीक है अब अब मैं हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तो हम लोग ना इस टाइप से यूज़ करते थे ठीक है तो मैं इसलिए आप लोगों को मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ देखो जो चीज़ हम बाद में जाके पढ़े वो चीज़ हम पहले ही देखे थे तो हम लोगों को रिलेट करने में बहुत ईजी हुआ तो अगर आप लोग भी ये सब चीज़ें देखे हो आप लोग देखो अपने आप लोग जहाँ भी स्टे करते हो या नहीं करते हो बट ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कभी ना कभी शायद करे होगे अगर करे होगे तो मुझे डेफिनेटली बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में ठीक है तो हम लोग जो वो यूटेंसिल जो बर्तन रखते हैं ना जिसमें पानी गर्म करते करेंगे लाइक प्रॉपर एक बर्तन फिक्स कर लेते हैं बट जो उसमें भी ना ऐसे वाइट वाइट ना साइड साइड में नीचे में जम जाता है वो क्यों होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स होता है जब हम हार्ड वाटर को गर्म करते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो वो कार्बोनेट्स फॉर्म होता है तो वो यहाँ पर चिपकता रहता है वो जमता रहता है क्लियर तो यहाँ पर वही है मैं बॉयलर का बात कर रही थी तो बॉयलर जितना अच्छे से पहले काम करता है नया नया बॉयलर जैसे कि बॉयलर का मुँह इतना बड़ा है ठीक है वो मस्त यहाँ से भाप निकाल रहा है जब उसको कंटिन्यूस हम यूज़ करते हैं तो उसके उसके चारों तरफ में बच्चों ऐसे चारों तरफ में ना वो कार्बोनेट जम जाता है लाइमस्टोन से जमता रहता है जमता रहता है तो इसका मुँह सिकुड़ जाता है अब बस इतना जगह से ही अपना वेपर प्रोड्यूस करता है तो इसका एफिशिएंसी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है तो ये सब थे बच्चों कुछ डिसएडवाटेजेस ऑफ हार्ड वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एडवांटेजेस मैं मैं तो देखो एडवांटेजेस भी देती थी डिसएडवांटेजेस भी देती थी अब क्वेश्चन तो बच्चों भरना है है ना अब ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये सेम चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ोगे क्लास नाइन्थ में भी नाइन्थ में भी है मैं आप लोगों को जो जो चीज़ बताई हूँ ना देखना जब मैं क्लास नाइन्थ का वीडियो बनाऊंगी ना ये सब चीज़ वापस काम आएगा तो आप लोग ये सबको फेंकना मत अपना नोट्स बना के फेंक दिए पेपर नो सब काम आएगा क्लास एट का आप लोगों को तो आप लोग तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्लास एट से जब क्लास नाइन जाओगे ना तो बच्चों फेंकना मत नोट्स ठीक है सो so, यहीं आपका एंड करते हैं चैप्टर ख़त्म हो गया एकदम ख़त्म इसके बाद क्या है देख ले इसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अब बेसिकली ये कोर्स में नहीं रहता है ये चैप्टर जो है ना कोर्स में नहीं रहता क्योंकि ये चैप्टर आपको काम ही नहीं आएगा डायरेक्ट आप लोग इसको आ, प्लस थ्री लेवल में पढ़ोगे हाँ प्लस थ्री लेवल में क्लास इलेवन क्लास इलेवन में एकदम थोड़ा बहुत मतलब ना के बराबर है मैं तो ये चैप्टर नहीं देती थी हम लोग हटा देते थे चैप्टर बिकॉज नॉट इंक्लूडेड ठीक है अगर होगा तो देख लेते हैं अगर देखो बच्चों मुझे आप लोग बता देना अगर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में मैं जल्दी से इसका वीडियो बनाऊं बनाऊँगी अदरवाइज इसको स्किप करते हैं क्योंकि काम नहीं आता आएगा ही नहीं काम ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 से कर देना थैंक यू